डीसी रियासी का भी एक स्केच, कलर पोर्ट्रेट स्केच इन्होंने बनाया है, वो डीसी रियासी को जल्द ही ये बेंट भी गिफ्ट भी करने वाले हैं। ज्यादा तो मैं सीआईडी से देख के इंस्पायर हुआ हूँ कि सीआईडी में भी बनाते थे तो मैं भी चाहता था कि मैं भी बनाऊं, लेकिन सीआईडी जो कार्यक्रम चलता है टीवी में, सोनी टीवी में, उस कार्यक्रम को देखते थे आप? हाँ, तो मेरे को भी लगा कि मैं भी बना सकता हूँ, तो मैंने ट्राई करी थोड़ी बनाने की, तो थोड़ा थोड़ा मिलने लगा शक्ल, तो फिर मैंने प्रैक्टिस की। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हमारे साथ पेंसिल स्केच बनाने वाले परमबीर सिंह मौजूद हैं। ये बेसिकली धरान से हैं और मौजूदा समय में रियासी में रहते हैं। इनसे इनके इस टैलेंट के बारे में जानेंगे और कहां से इन्होंने इस टैलेंट को सीखा और किन किन लोगों की इन्होंने अभी तक पेंटिंग्स बनाई हैं वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। और एक खास बात यह है कि डीसी रियासी का भी एक स्केच, कलर पोर्ट्रेट स्केच इन्होंने बनाया है, वो डीसी रियासी को जल्द ही ये बेंट भी गिफ्ट भी करने वाले हैं। परमबीर स्वागत है आपका रियासी अपडेट। पहले तो आपका और रियासी अपडेट्स का बहुत बहुत थैंक यू मुझे एक मौका देने के लिए इंटरव्यू में। परमबीर, कब आपको लगा कि आप में ये टैलेंट है और कब आपने ये जो पेंसिल स्केच है या फिर कलर पोर्ट्रेट है इसको बनाने की शुरुआत की? पिछले साल ही जब लॉकडाउन चल रहा था और स्कूल में छुट्टियाँ पड़ी थी, तब मैंने कोई 6-7 महीने पहले लगभग। काफी लोगों का टैलेंट जो है वो लॉकडाउन के दौरान उभरा है, उसमें एक आप भी हैं। यस, तो मैंने यूट्यूब से सीखा है, आधा थोड़ा अपने से भी प्रैक्टिस की, तो मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में वीडियोस देखते थे, उसके बाद आपको लगा कि आपको भी कोशिश करनी चाहिए या पहले से कोशिश करते थे उसके बाद वीडियोस देखना शुरू किए? ज़्यादा तो मैं सीआईडी से देख के इंस्पायर हुआ हूँ कि सीआईडी में भी बनाते थे तो मैं भी चाहता था कि मैं भी बनाऊं, लेकिन सीआईडी जो कार्यक्रम चलता है टीवी में, सोनी टीवी में, उस कार्यक्रम को देखते थे आप? हाँ, तो मेरे को भी लगा कि मैं भी बना सकता हूँ, तो मैंने ट्राई करी थोड़ी बनाने की, तो थोड़ा थोड़ा मिलने लगा शक्ल, तो फिर मैंने प्रैक्टिस की पूरी। घर वालों को दिखाते थे सबसे पहले कि ये देखो कि शक्ल मिल रही है और मैं कैसा बना रहा हूँ? हाँ, तो घर वाले क्या बोलते थे? बोलते थे कि हाँ अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छा। तो उस समय आपको लगा कि आप इसमें बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं? हाँ, मुझे लगा, तो मैंने दिन दिन प्रैक्टिस की, सारे अलग अलग तरह के पोर्ट्रेट बनाए, ड्राइंग की, तो फिर यूट्यूब में वीडियोस उसके बाद देखना शुरू किया। YouTube में मैं देखते रहता था हर तरह की, कैसे बनाने हैं, किस तरीके से, प्रैक्टिस भी करते रहा मैं। अभी तक किन किन लोगों का आपने स्केच बनाया है और सबसे अच्छा स्केच आपको कौन सा लगता है? मेरे को सबसे अच्छा ये डॉक्टर B.R. अंबेडकर का स्केच लगता है, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा था, तो ये मेरा फेवरेट स्केच है। डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सा स्केच बनाना है, जो घर वाले कहते हैं या अपनी चॉइस आपकी रहती है, आप कहीं भी कुछ देखते हैं आपके मन में जो आ जाता है वो बना देते हैं? मेरी अपनी चॉइस रहती है, जो मन में आता है, जो अच्छा लगता है फोटो वो बना लेता हूँ। डीसी रियासी का भी हम देख रहे हैं, कलर पोर्ट्रेट एक आपने बनाया हुआ है, तो ये कब पेंट करने वाले हैं? उन्हें जल्दी करने वाला हूँ, कुछ 2-3 दिन में करने वाला हूँ। बातचीत हुई है अभी? अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, उनसे परमिशन लेंगे तो फिर उनको जाके वेट करेंगे, टाइम लेंगे उनसे। हाँ जी, क्या प्रोफेशनली आप इसको अपनाएंगे या फिर पार्ट टाइम ही करेंगे? सीआईडी में देखते तो वही काम तो करने का इरादा नहीं? अगर मैं प्रोफेशनल बन गया तो वो काम कर सकता हूँ अभी तो, लेकिन मैंने पार्ट टाइम रखा हुआ है, अभी मेरी स्टडी भी चल रही है, तो अभी मैंने पार्ट टाइम ही रखा है, आने वाले समय में बना सकता हूँ करियर अपना इसको। कौन सी कक्षा में आप पढ़ते हैं? इस समय मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, 8th में इस साल मैं जाऊँगा। कौन से स्कूल में? मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल धरान में पढ़ता हूँ। तो अब रियासी में एडमिशन लेंगे 8th में? मैं हाँ रियासी में दूंगा एडमिशन। कितना समय एक स्केच को बनाने में लगता है और कितना समय देते हैं आप एक दिन में? क्या लगातार यही करते रहते हैं जब छुट्टी होती है या जब भी समय मिलता है या जब मूड होता है उसी समय बनाए जा सकते हैं? नहीं, जब भी मुझे समय मिलता है तभी मैं बना लेता हूँ, जब भी कोई फ्री टाइम मिलता है तो मैं सोचता हूँ बना ही लेता हूँ। तो ना आर्टिस्ट थोड़े मूडी होते हैं और जब मूड होता है तभी काम करते हैं। नहीं, मेरे को मैं जब भी टाइम मिलता है मेरे को मैं बनाने की सोच लेता हूँ तो बनाता हूँ फिर। तो और क्या क्या हॉबीज हैं और क्या क्या करते हैं स्केच बनाने के अलावा, या फिर सारा समय इसी को दे देते हैं पढ़ाई के अलावा? हाँ, मैं पढ़ाई के अलावा इसको ही दे देता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। फिजिकल एक्टिविटीज, कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते आप? ऐसे घर में तो क्रिकेट वगैरह खेल ही लेता हूँ, लेकिन और ज़्यादा कुछ नहीं। थोड़ा बताएं और कौन कौन सा स्केच बनाया आपने और कब कब ये बनाया? हाँ, ये वाला मैंने बनाया है सुभाष चंद्र बोस जी का स्केच, जिन्होंने हमारी आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। ये मैंने लगभग कोई 4-5 महीने पहले बनाया था और इसको मेरे को लगभग 5-6 घंटे लग गए थे बनाने के लिए। घर वालों का कैसा सपोर्ट रहता है, क्या जब आप बना रहे होते हैं सपोर्ट करते हैं या फिर पढ़ाई करने के लिए ज्यादा बोलते हैं? नहीं, सपोर्ट ही करते हैं, मना नहीं करते, बोलते हैं पढ़ाई के साथ है इसको भी करा कर। मेरा भी स्केच बनाएंगे? हाँ, बना लूंगा। मम्मी पापा का बनाया, घर में भाई भी हमने देखा आपका, उसका बनाया या अभी घर वालों पर ट्राई नहीं की? अभी नहीं बनाया कोई भी, बना लेता हूँ फिर। मम्मा और पापा ने नहीं बोला कि हमारा भी स्केच बना के? नहीं, उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बोला कर रहे हैं, अच्छा कर रहा है, ठीक है करते।
चलिए कुछ कहना चाहेंगे, आपको देख रहे हैं विद्यार्थी जो भी उनमें टैलेंट है, कुछ कहना चाहेंगे कि वो भी अपने टैलेंट बाहर लाएं और उस पर पूरी कोशिश करें? मैं कहना चाहूंगा कि अगर जिसके पास भी टैलेंट निकाल सकता है, कोई भी बना सकता है इनको स्केच को, बस प्रैक्टिस की और मेहनत करने की जरूरत है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं मिल सकता, इसलिए प्रैक्टिस और मेहनत जरूरी होनी चाहिए, इसलिए हार्डवर्क की जरूरी है कुछ कोई भी काम करने। हाँ, स्केच आर्टिस्ट जो है उनमें आपका फेवरेट कौन है? यूट्यूब में अगर आपने देखा हो कि कौन कौन स्केच बनाता है, आपका फेवरेट उनमें कौन? मेरा नंबर वन फेवरेट है सौरव जोशी आर्ट्स, जो इस समय नंबर वन ब्लॉगर भी हैं इंडिया के। तो आप भी ब्लॉगिंग करना शुरू करेंगे? मैंने अभी ब्लॉगिंग में अभी पढ़ रहा हूँ, स्टडी चल रही है मेरी, तो मैं कहाँ करूँगा ब्लॉगिंग, आने वाले समय में कर सकता हूँ। पढ़ाई में भी अच्छे? हाँ ठीक जी जी, चलिए शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आप स्केच बनाते रहें और भी इसमें बेहतर करते रहें और इसी में करियर भी बनाएं। शुक्रिया, थैंक यू। परमवीर सिंह बेसिकली दरान से मौजूदा समय में रियासी रहते हैं, 7th के एग्ज़ाम दे दिए हैं, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और 8th में एडमिशन लेंगे। जैसे ही अपनी स्टडी से समय मिलता है उस समय ये काम करते हैं और DC रियासी का ये स्केच बनाया हुआ है, आने वाले कुछ दिनों में उन्हें ये गिफ्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही, मेरे सहयोगी प्रदीप भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।